मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इस समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित जल शक्ति मंत्री, अतिथि का मतलब जो बिना बुलाए आए हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहां की लोकप्रिय विधायक और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास कल्याण की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सीएलटीएफ के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तिवारी जी, जीसीबी के चेयरमैन श्री दिनेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, श्री रामबाबू द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों, प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करते हुए और लगभग 100 स्थानों पर किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने किसान भाइयों को हृदय से बधाई देते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूं और किसान कल्याण केंद्र उन्हें समर्पित भी करता हूं। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बननी लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है, अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए लेकिन किसान आजादी के बाद से हांसी पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन के को जोर देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। आज उसी का परिणाम है कि सॉयल हेल्थ कार्ड और सॉयल हेल्थ से जुड़ी हुई लेबोरेटरीज आपको हर एक जनपद में, हर एक विकास खंड में और हर महत्वपूर्ण स्थलों पर प्राप्त हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी
और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिला है। आजादी के बाद लागत का डेढ़ गुना दाम किसान को मिले न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को 6000 रुपए सालाना देने का कार्य भी, यानी किसान भाइयों को सूदखोरों से बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी किसान के कल्याण के लिए वास्तविक कार्य योजना अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद जिस गति के साथ ये कार्यक्रम चले हैं, अगर पिछले 6 वर्षों के दौरान हुई प्रगति उन 70 वर्षों में भी हुई होती तो संभवतः इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ता कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। और आज उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। याद करिए 2004 से 2014 के अंदर इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की थी और 14 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई, आज उसका परिणाम है देश के अंदर किसान आत्महत्या नहीं बल्कि आमदनी को दोगुना तिगुना करने के लिए नई नई तकनीक को अपनाते हुए वह तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर अन्नदाता किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आज का यह कार्यक्रम किसान के हित के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक हिस्सा है। याद करिए जब प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट तब तक नहीं बैठी थी जब तक हम ये तय नहीं कर पाए थे कि किसानों का कर्जा माफ होना है। लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक के कर्जे को माफ करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने पहली बार लिया। पहला निर्णय कैबिनेट का यही था 1,15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। बंद हो रही चीनी मिलों को फिर से चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। चीनी मिलों के विस्तारीकरण और नवीनीकरण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी और जल शक्ति विभाग ने भी वर्षों से लंबित सिंचाई की उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का कार्य किया, जिसके बारे में भी जल शक्ति मंत्री कह रहे थे कि हम आने वाले कुछ ही समय के अंदर 25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये कार्य पिछले 40-50 साल से लंबित पड़े हुए थे लेकिन आज सरकार कार्य कर रही है, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कार्य कर रही है तो किसानों के लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम तेजी के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की नीति के तहत आपने देखा होगा पिछली सरकारों के कार्यकाल में 5 लाख और 7 लाख 9 लाख मीट्रिक टन का ही क्रय होता था। हम लोगों ने कल तक 53 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय अकेले इस सीजन में अब तक कर लिया है और अभी ये लगातार 28 फरवरी तक चलेगा, 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। यानी जैसे भी हो किसानों के हितों के लिए उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, किसान को खेती के बारे में, शासन की नीतियों के बारे में, पशुपालन के बारे में, कृषि संबंधी उन सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना और उसको तकनीक से भी भरपूर लाभ उसको प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाना।
2017 में सरकार आने के साथ ही 20 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर स्थापित हुए। आज प्रदेश के अंदर 2 कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 1 निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय कृषि के लिए, और साथ साथ 89 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सहायता के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शनी है, मैं किसान भाइयों से कहूंगा, आप जाकर के देखिए, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करिए। किसान कल्याण केंद्र किसानों को एक ही जगह पर उन सभी सुविधाओं से हम आच्छादित कर सकें, योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें, ये सभी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। और आज इसीलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश में किसान कल्याण मिशन प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में यह एक बृहद कृषि मेला के रूप में लगाने का एक कार्यक्रम है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, और जब अन्नदाता हमारा खुशहाल होगा तो देश स्वयं खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। उस खुशहाली के लिए ही आज ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा, बहुत सारे लोग हैं जो तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन करने और किसान तेजी के साथ प्रगति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में अच्छे स्थान पर है, लेकिन यहां के किसानों के द्वारा पशुपालन करके जो दुग्ध मार्केट में दिया जाता है उसकी गुणवत्ता पे सभी प्रश्न खड़े होते थे। पहली बार हुआ जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को दिए रोकथाम के लिए टीकाकरण का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा, और उत्तर प्रदेश में इसको हम लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यह उत्तर प्रदेश में गाय भैंस के दूध को हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अपितु दुनिया के अंदर भी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी डेयरी से जाने वाला यह दूध उन गौपालकों के यहां से आया है जहां पर खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियां नहीं है, और तब दुनिया के अंदर इस दूध की डिमांड होगी या दूध से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड होगी। इसको आजादी के बाद के 70 वर्षों तक क्यों छुपाने का प्रयास हुआ? हमारी लेबोरेटरीज आज हर जनपद में खुलती भी दिखाई दे रही हैं, जो तय कर पाएंगी कि जैविक उत्पाद है और ये जैविक उत्पाद नहीं है। फसलों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देकर के उसकी टेस्टिंग लैब्स भी हर एक जगह स्थापित किए जा रहे हैं, और ये कार्यक्रम जिस निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये किसान कल्याण मिशन उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ किसान बंधुओं को जोड़ने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, और उस बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2,35,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। आप अनुमान कर लीजिए, 2,35,00,000 तो कई राज्यों की आबादी नहीं है, उत्तर प्रदेश में इतने किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित थे। जितने हमारे पास हमारे यहां किसानों को पिछले 3-3.5 वर्षों में गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है 1,15,000 करोड़ रुपए का, यह गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान की यह कार्रवाई बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं है, इतना हमारे किसानों के अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा गया, सीधे पैसा गया। और कोरोना कालखंड के दौरान तो खेती और किसानी के लिए
जिस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चले हैं वो अद्भुत है, अनुकरणीय है, अभिनंदनीय भी है। मैं आह्वान करूंगा अपने किसान बंधुओं से, यहां पे महिला स्वयंसेवी समूह भी खड़ी है, बुंदेलखंड में एक बलोनी दुग्ध उत्पादन समिति है, बलोनी दुग्ध उत्पादन समिति ने एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है उसका, और उसका 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है एक दुग्ध उत्पादन समिति में। आप सोचिए वहां महिलाओं की समिति है वो केवल, और ये कार्य सरोजनी नगर में भी आप लोग भी कर सकते हैं। आप में से कोई भी महिला समूह इस रूप में खड़ा होकर के यहां पे खड़ा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। एफपीओस का गठन कर सकते हैं, हर विकास खंड में हमें एफपीओस का गठन करना है, ये किसान उत्पादक संगठन होंगे, ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका होनी है, और एफपीओस के गठन करने के लिए भी अगर आप कार्यक्रम आगे बढ़ा सकेंगे, फिर उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आज है क्या हम धान का क्रय किसान से करना चाहते हैं, 53 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हो चुका है, हम लोग इसको फरवरी तक लेके जाएंगे, एक समय के बाद स्टोरेज की समस्या दिखेगी। अगर हम विकास खंड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम बना दे, स्टोरेज बना ले, उसका किराया भी मिलेगा और गांव का खाद्यान्न गांव में ही सुरक्षित रह करके जब आवश्यकता पड़ेगी उसको फिर हम मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं। ये गोदाम के लिए सब्सिडी मिल रही है, केंद्र सरकार इसमें सहयोग कर रही है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। ये कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा है उसका उपयोग कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आप लोग जो है, जो किसान बंधुगण है, मैं उनसे कहूंगा ड्रिप इरिगेशन की तरफ चलिए, सरकार इसमें काफी सब्सिडी भी दे रही है। आप लोग ये मत मान करके चले कि डॉक्टर महेंद्र सिंह लखनऊ के ही है तो जो है अब पानी जितना है खेत में उतना पानी खेत को लबालब कर दो, ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़िए, कम पानी में बेहतर खेती, और बेहतर खेती के माध्यम से किसान की लागत को कम करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, और जब लागत कम होगा उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा, उसकी आमदनी दुगनी से ज्यादा होती भी दिखाई देगी। इस कार्यक्रम के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता है। किसान कल्याण मिशन प्रदेश के अंदर आज 303 विकास खंडों में एक साथ हमारे माननीय सांसद विधायकों की उपस्थिति में आज प्रारंभ हो रहा है, और अगले बुधवार को फिर से कार्यक्रम 13 जनवरी को इसी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फिर 21 जनवरी को यही कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर विकास खंडों में होगा। मुझे विश्वास है हमारे किसान बंधुगण इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के किसानों की आमदनी को गुना, कई गुना बढ़ाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक खुशहाल अन्नदाता किसान, खुशहाल भारत की नींव के रूप में कार्य कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार के जो अभियान है वह किसानों के कल्याण के लिए है। हमें बिना किसी बहकावे में आए, बिना किसी गुमराह करने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए इस बारे में आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें किसान की आमदनी को 2022 तक दुगना करते हुए हमें हर हाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को कहीं भी भटकाव की ओर नहीं जाने देना है। कोई भी गुमराह करने वाला तत्व हमारे बीच में आकर के किसान भाइयों और बहनों को उनके प्रगतिशील अभियान में बाधक नहीं बनने देना है, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।